जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये नहीं एक वीडियो देख लिया चले गए, नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। श्वसन, तो श्वसन में क्या क्या प्रोसेस होगी, इंस्पिरेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर क्या है, सारा कुछ, और अब नॉर्मल टाइप क्या है, नॉर्मल टाइप का सारा कुछ आज के लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट अपन अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अकर वेयर ओ टू इनहेल एंड सीओ टू एक्सहेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कहने का मतलब ये इंस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसके अंदर ओ टू को तो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ओ टू को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और सीओ टू एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो दोनों की जो बीच की प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या, ओ टू को अंदर लेना, इंस्पायर करना, है ना, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी सीओ टू को बाहर निकालना, ओ टू को अंदर लेना, ओ टू इनसाइड और सीओ टू आउटसाइड। तो ये दोनों की जो प्रोसेस है बीच की उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको श्वसन। ठीक, तो ओ टू इनहेल कर रहा है और सीओ टू को बाहर निकाल रहा है, इन दोनों जो प्रोसेस है इनको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन, इन विच रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे प्रोसेस मेंटेन होती है। तो बात करते हैं अपन लंग्स की, फेफड़े की। तो लंग्स के अंदर होता है इनसाइड प्रेशर, इनसाइड द नेगेटिव प्रेशर और आउटसाइड द पॉजिटिव प्रेशर, इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मतलब ओ टू को कैसे बाहर निकालती है, तो लंग्स के अंदर क्या है, नेगेटिव प्रेशर, बाहर क्या है, पॉजिटिव। तो प्रेशर हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ना। तो ये ओ टू है, बाहर की साइड तो पॉजिटिव है और अंदर की साइड क्या है, नेगेटिव। तो बाहर से अंदर की ओर इंस्पिरेशन हो गया क्योंकि अंदर ले रहा है, इनहेल कर रहा है ना, इंस्पिरेशन। अंदर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर, लंग्स इन साइड द पॉजिटिव प्रेशर, आउटसाइड द नेगेटिव। तो बाहर अंदर क्या है, पॉजिटिव, बाहर क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यह क्या होगा, एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सीओ टू का एक्सपिरेशन करेगा। तो इनसाइड अगर मान लो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर, आउटसाइड द पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसका मतलब अंदर इंस्पिरेशन और टू का, अंदर पॉजिटिव, इनसाइड द पॉजिटिव, आउटसाइड द नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्सपिरेशन होगा, यानी सीओ टू को एक्सपायर कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये देखो यहाँ पे हो रही है, ये देखो, ये देखो एल्वियोलाई यहाँ पे कैरिना है, यहाँ पे ट्रेकिया आ रहा है पीछे, जैसे मान लो थायराइड, तेरा थायराइड पीछे है ना, बटरफ्लाई, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड भी है, यहाँ पे जाके देखो ये एल्वियोलाई में डिफाइंड हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, एल्वियोलाई है। ठीक है, ये देखो, ये दिखा भी रखिए, एल्वियोलाई ऊंचा ये, है ना, ये देखो एल्वियोलाई। तो यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है ना वो ऐसे ही हो रहा है, अगर लंग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट है और बाहर, लंग्स के अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, तो वो इनहेल कर लेगा, इंस्पिरेशन की कंडीशन क्रिएट हो, प्रोसेस होगी। अगर बाहर, अगर अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, इसके अंदर मतलब क्या होगा, एक्सप्रेशन की होगी, जहाँ पे सीओ टू को बाहर निकालने की प्रोसेस होगी। तो ये देखो, ये इसमें दिखा रखा है, इसमें ये देखो पड़ेगा पूरा, ये लंग्स है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ये ट्रेक यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, एल्वियोलाई में डिवाइडेड हो रहा है ना, तो इस प्रकार है। यहाँ पे कैरिना होता है, ये जो है ना, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर बन रहा है ये कैरिना है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर क्या है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है ना, नियंत्रित कौन कर पा रहे हैं, हिंदी में बोले तो नियंत्रित या कंट्रोल कौन कर पा रहे हैं। तो कंट्रोल की बात करें तो रेस्पिरेशन को, तो रेस्पिरेटरी जो कंट्रोल सेंटर है वो है पॉन्स, अब नॉर्मली यही मेडुला वेड़ा बेटा, जो नॉर्मल सेंटर होता है ना, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर वो होता है मेडुला, और अब नॉर्मल रेस्पिरेशन सेंटर होता है वो होता है पॉन्स। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 16 से 20, एक एडल्ट की बात करें 16 से 20 पर मिनट, है ना, पर मिनट। अगर मान लो ये 16 से 20 ना होके ये 24 हो रखी है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टेकीपनिया, टेकी, टेकीपनिया। तो टेकीपनिया क्या है कि अब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल में तो टेकीपनिया होता नहीं है, तो ये अब नॉर्मल है, तो इसमें जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, पॉन्स कर रहा है। अगर मान लो 10 से कम है, 10 रेस्पिरेशन आर आर कम है, ठीक, रेस्पिरेटरी रेट 10 से कम है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ब्रेडीफनिया। ठीक, तो ब्रेडीफनिया की बात करें, ब्रेडीफनिया, तो इसमें अब नॉर्मल सेंटर कौन काम करेगा, ये भी अब नॉर्मल है, नॉर्मल तो है नहीं, ये 16 से 20 होता है वो एक नॉर्मल पैटर्न में होता है, लेकिन ये तो अब नॉर्मल रेट 10 से कम है, तो ये क्या हो गया, कौन करेगा, पॉन्स करेगा।
नॉर्मल कौन करेगा, नॉर्मल मेडुला। अब मान लो 16 से 20 है, 20 बीट पर मिनट है, ठीक है, तो इसमें कौन करेगा, इसमें मेडुला करेगा। अब नॉर्मल है तो उसके अंदर पॉन्स करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, तो मेडुला। अब नॉर्मल की बात करें तो इसके अंदर पॉन्स है, ठीक, ये थोड़ा सा डीप है, ठीक। अब जैसे किस प्रकार है, ये देखो, ये देखो, ये देखो इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि क्या है यहाँ पे इंस्पिरेशन का मतलब अंदर क्या है, नेगेटिव, बाहर क्या है पॉजिटिव, तो बाहर से अंदर की जा रहा है, इस प्रकार अंदर इंस्पिरेशन होगा। अंदर क्या है, अंदर क्या है पॉजिटिव, बाहर क्या है नेगेटिव, ठीक है, तो ये बाहर से अंदर की ओर एक्सपिरेशन होगा, इंस्पिरेशन ये होगा। इन दोनों प्रोसेस को अपन कंप्लीटली ब्रीथिंग बोलते हैं, वन ब्रीथिंग, ठीक है, जिसके अंदर 500 ml वो वॉल्यूम टिडल वॉल्यूम के थ्रू टिडल वॉल्यूम लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। अपन ने पढ़ लिया कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, अबनॉर्मल कौन सा है, क्या क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार एक्सपिरेशन होता है, किस प्रकार रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन होता है, दोनों कंप्लीट को रेस्पिरेशन बोलते हैं। पर अपन अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, मतलब इसके टाइप क्या है, प्रकार क्या है, हिंदी में बोलें तो प्रकार क्या है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर एक होता है एल्वियोलर रेस्पिरेशन, एल्वियोलाई के अंदर ये एयर एक्सचेंज या गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड, ब्लड और एल्वियोलाई के अंदर जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो है एल्वियोलर। तो देखो ऐसे इमेज में दिखा दे, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स, ये देखो ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पे जैसे वेंस है, ये आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, ये लंग्स है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का जाते हैं ना, वो मतलब यूजफुल गैस ले रही है और अनयूजफुल उसको एक्सक्रीट कर रही है, बाहर निकाल रही है, एक्सपायरेशन कर रही है। तो इस प्रकार ये देखो यहाँ पे, ये है ना, इस प्रकार है ये। अब बात करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर, जाके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन इन द एयर एक्सचेंज बिटवीन द टिश्यू एंड सेल एंड ब्लड, टिश्यू और जो ब्लड है और सेल्स के बीच जो एक्सचेंज हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर, एल्वियोलाई के अंदर नहीं हो रही है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि 38 ATP के अणु बनते हैं, पाइरुविक एसिड बनता है, है ना, पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड जिसके अंदर ग्लूकोलाइसिस होता है ना, ग्लूकोज टूटता है, देखो पाइरुविक एसिड बन रहा है ना, ग्लूकोज टूट रहा है, ATP बन रही है, ग्लूकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल है, इसके अंदर ATP बन रहा है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है यहाँ पे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, साइटोसोल भी होता है। तो इस प्रकार जो मतलब टिश्यू और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज हो रहा है ना उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर एल्वियोलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, ठीक। इस प्रकार ये गैस एक्सचेंज है, देखो कंप्लीट इसमें देख भी सकते हो आप, ठीक है, निकोटीन एमाइड डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन और ये टर्म्स क्या क्या है, जैसे ऑर्थोपनिया क्या है, तो ऑर्थोपनिया का मतलब रेस्पिरेशन इन अपराइट पोजिशन, बैठी स्थिति में अगर ऑर्थो रेस्पिरेशन कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया अपराइट पोजिशन। सेकेंड है अपनिया, अपनिया का मतलब होता है टेम्परेरी रूप में थोड़ा सा क्या रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, जो टेम्परेरी स्टॉपेज हो रेस्पिरेशन, ये नहीं है कि थोड़ा टाइम ले लेने तो पेशेंट ही मर जाएगा, पर इसके अंदर क्या है कि टेम्परेरी स्टॉपेज हो रहा है थोड़ा सा टेम्परेरी रूप में। बात करते हैं डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में अगर उसको दिक्कत हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्पनिया। अगर टेम्परेरी स्टॉपेज है थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं अपनिया, और ऑर्थोपनिया मतलब अपराइट पोजिशन में ले रहा है, मतलब बैठी स्थिति में उसमें रेस्पिरेशन कर रहा है उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। तो इस प्रकार है। अब बात करते हैं इसके अंदर कैरेक्टर क्या है, क्या क्या इसके कैरेक्टर है रेस्पिरेशन के, नॉर्मल कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट है रेट, रेट क्या है, जैसे 16 से 20 बीट पर मिनट है, रिदम, रिदम क्या है, मतलब नॉर्मल वे में कर रहा है या अब नॉर्मल वे में। डेप्थ क्या है उसकी, है ना, तो वो सलो है या डीप है, वो किस प्रकार से, वो सारा कुछ देखते हैं। रेट रिदम और डेप्थ यानी वॉल्यूम, कितना 500 ml ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है वो। फर्स्ट अपन बात करते हैं रेट की, तो रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ रेस्पिरेशन विद इन वन मिनट, विद इन मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 पर मिनट। नॉर्मल कितने, 16 से 20 पर मिनट है, तो रिदम में ले रहा है रेट नॉर्मल है या अब नॉर्मल वो देखते हैं। अब नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ रेट, टैकीपनिया वो मैंने बताया था कि अगर 24 रेस्पिरेटरी रेट से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं टैकीपनिया। ब्रेडीफनिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10, यानी 10 से कम आ रहा है, वो क्या है कि ब्रेडीफनिया अब नॉर्मल कंडीशन है। ये तो होगी रेट की बात, क्योंकि रेट 16-20 नॉर्मल है, लेकिन अगर 24 से ज़्यादा है तो टैकीपनिया, 10 से कम है तो ब्रेडीफनिया, ये अब नॉर्मल कंडीशन है। बात करते हैं रिदम की,
लय की, किस प्रकार इसका लय है, रिदम है, रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलरिटी क्या है रेस्पिरेशन की, मतलब रेगुलर है या इरेगुलर वो है। बात करते हैं डेप्थ की, वॉल्यूम क्या है। एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग वन रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन में क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम होता है 500 cc, यानी टोटल वॉल्यूम होता है। तो 500 cc ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, उसकी रेट पे या डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर 500 cc ले रहा है तो वो एक नॉर्मल वॉल्यूम है, अगर 500 से कम ले रहा है तो वो एबनॉर्मल या शलो है। ठीक है, ये है। तो डीप रेस्पिरेशन की बात करें, डीप रेस्पिरेशन की, तो एयर इनहेल मोर देन 500, अगर 500 से ज्यादा ले रहा है 1 cc एक मिनट के अंदर, तो वो एक डीप रेस्पिरेशन है, अबनॉर्मल कंडीशन है। सलो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एयर इनहेल लेस देन 500, अगर 500 से कम सीसी से कम ले रहा है वन रेस्पिरेशन के अंदर, तो वो एक एसिडोसिसी कंडीशन में होता है, 500 से कम ले रहा है इसके अंदर, तो वो है, वो एक सलो है। और अगर 500 से ले रहा है, 500 सीसी ले रहा है, तो वो एक डीप कंडीशन है, 500 से ज्यादा ले रहा है वो डीप। अगर मान लो 500 से कम ले रहा है, वो एक सलो रेस्पिरेशन है। और वो किस कंडीशन में होता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सलो रेस्पिरेशन इन दिस कंडीशन, तो इसके अंदर एसिडोसिस या एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, वो अलग अलग दे दिया, तो इसके अंदर अपन एसिडोसिस ही क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन 500 से कम हो रखा है। ये देखो इमेज के अंदर भी दिखा रहा है, ये देखो, ठीक, इसमें 500 से कम ले रहा है। ठीक, अब बात करते हैं अबनॉर्मल रेस्पिरेशन क्या है। तो अबनॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइप क्या क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, पूछे भी जाते हैं, और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अबनॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब टाइप है, वो है स्ट्राइडर रेस्पिरेशन साउंड। स्ट्राइडर रेस्पिरेशन साउंड किस में आते हैं, जिसके अंदर स्टेथोस्कोप से अपने सुनते हैं। इट इज रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, ये रेस्पिरेटरी इमरजेंसी अकर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयरवे एंड लैरिंजाइटिस, मतलब अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या लैरिंजाइटिस की कंडीशन है ना, लैरिंक्स की इन्फ्लेमेशन है, तो उस कंडीशन में अपन उसको स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन सुनने को मिलेगी। स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन किस में मिलेगी, जिसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है, ये मतलब आपात की स्थिति है, इमरजेंसी कंडीशन है, अकर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयरवे, अपर जो एयरवे है ना उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, दिक्कत है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या लैरिंजाइटिस है, लैरिंक्स का इन्फ्लेमेशन है, क्यों, आइटिस जिसकी जिस भी फॉर्म में लगता है ना आगे, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर रेडनेस, स्वेलिंग है ना, डिस्चार्ज, वो सारा निकलेगा, वो इन्फ्लेमेशन है। अब इसके अंदर नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, नर्सिंग एक्शन क्या होगा, नर्स क्या करेगी, ये कंडीशन अगर क्रिएट हो रही है पेशेंट में, तो फर्स्ट है इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड प्रिपेयर टू द ट्रेकोस्टोमी, ट्रेकोस्टोमी करते हैं, इच ट्यूब डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकोस्टोमी, ट्रेकोस्टोमी परमानेंट होता है, ठीक है, ट्रेकिया को खोलेंगे, स्टोमी का मतलब होता है खोलना, ओपन इट, स्टोमी का मतलब ओपन इट, ओपन इट, ठीक है। एक होता है एक्टमी, मतलब रिमूव इट, उसको रिमूव कर देते हैं, और स्टोमी का मतलब होता है ओपन इट, और एक्टमी का मतलब रिमूव, और प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर, प्लास्टिक का मतलब रिपेयर, और ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन होता है। ये मैंने टर्म बताई क्योंकि बहुत एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक्टमी क्या है, स्टोमी क्या है, स्टोमी लगा के पूछ लेते हैं, यह क्या, आईटिस लगा के पूछ लेते हैं क्या है, तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है आईटिस का, एक्टमी का मतलब रिमूव कर देते हैं, स्टोमी का मतलब ओपन इट कर देते हैं, प्लास्टिक का मतलब रिपेयर इट करते हैं, रिपेयर करते हैं उसको, है ना, तो वो है। तो बात करते हैं स्ट्राइडर साउंड की, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या लैरिंजाइटिस है, इन्फॉर्म डॉक्टर या ट्रेकोस्टोमी करेंगे। स्ट्राइडर साउंड क्रो लाइक आर नॉर्मल आफ्टर इच ट्यूब ट्यूब रिमूविंग प्रोसीजर, अगर क्रो लाइक साउंड आ रही है तो वो एक इच ट्यूब उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि एक नॉर्मल साउंड है वो इच ट्यूब के अंदर, एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये इच ट्यूब का, एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, इस प्रकार। सेकेंड है वीजिंग साउंड, तो वीजिंग साउंड किस में आती है, वीजिंग साउंड रेस्पिरेशन का मतलब होता है वीजिंग साउंड हेयर बाय द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है ना कार्लेट बिन्नी के द्वारा लिया गया था, तो उसके अंदर स्टेथोस्कोप के अंदर सुनते हैं अपन, चेस्ट ड्यू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंकस है ना, ब्रोंकस फिर आगे जाके लाल लाइन खुलती है, तो इस प्रकार उनमें जो है ना उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वीजिंग साउंड आएगी, ठीक है, वीजिंग साउंड हेयर बाय द स्टेथोस्कोप, चेस्ट ड्यू द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होगा चेस्ट के अंदर, ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई के अंदर, तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है अस्थमा की। अब मान लो पेशेंट अस्थमा है, सीओपीडी का पेशेंट है, सीओआरडी का पेशेंट है, सीओपीडी में अस्थमा में नहीं आता, तो जो अस्थमा पेशेंट है ना उसके अंदर क्या हुआ, वीजिंग साउंड आया, एग्जाम में क्वेश्चन आगे वीजिंग साउंड किस में आता है, वीजिंग साउंड इन द परफॉर्म, तो आगे अगर ऑप्शन में पूछ लिया अस्थमा निमोनिया तो उसके अंदर अपन अस्थमा करेंगे सही, क्योंकि अस्थमा के अंदर वीजिंग साउंड आती है, तो इसके अंदर एक होता है अस्थमेटिक ब्रोंकस, एक होता है नॉर्मल ब्रोंकाई, तो इस प्रकार ये अस्थमा के अंदर मतलब वीजिंग साउंड आएगी।
अब जैसे एडिशनल स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, ये देखो ना। अब बात करते हैं हाई पिच और लो पिच साउंड क्या है, या श्रिल साउंड किसमें बोलते हैं। तो हाई पिच या श्रिल साउंड के अंदर इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी इंटरक्रेनियल प्रेशर जिसका बढ़ चुका है, या हाइड्रोसिफेलेसी कंडीशन है, उसमें बच्चे के अंदर हाई श्रिल साउंड के अंदर बच्चा रोता है। ये देखो आईसीपी का पेशेंट है ना, जुगराल वेन में प्रेशर बढ़ा है, यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हाई श्रिल बच्चा है ना, जोर से रोएगा, हाई श्रिल साउंड होगा, है ना। अब बात करते हैं नेजल फ्लेयरिंग क्या है। तो नेजल फ्लेयरिंग ड्यू टू द स्वेलिंग इन द नेजल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा है उसके अंदर स्वेलिंग आएगी। इन्फ्लुएंजा पेशेंट जो कॉमन कॉमन कोल्ड होता है इन्फ्लुएंजा पेशेंट, उसमें है ना वो नेजल फ्लेयरिंग होगी, नाक चिपकेगी, यहाँ से सांस लेगा तो एकदम चिपक जाएगी, फिर है ना खुलेगी। तो इस प्रकार जो रेस्पिरेशन है वो है नेजल फ्लेयरिंग की, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा पेशेंट और कॉमन कोल्ड उसमें आएगी। ये देखो स्ट्रक्चर में दिखा रहेगा रिसेप्टर साइज, यहाँ से है ना ये चिपकेगी ज्यादा, यहाँ से नोज, इस प्रकार ऑल्फैक्टरी बल्ब भी होता है। तो नेजल फ्लेयरिंग किस में आ गया, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पुट अप कर लिया कि नेजल फ्लेयरिंग, तो इसके अंदर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के अंदर नेजल फ्लेयरिंग की कंडीशन होगी। ये आरडीएस के अंदर होते हैं ना, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। अब बात करते हैं चैन स्ट्रोक, अब इसमें ये सीचों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन तो इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन, फिर डीप रेस्पिरेशन, फिर अपनिया, तीनों कंडीशन साथ में होगी। पहले तो क्या है कि इंटरमिटेंट होगा, फिर डीप ज्यादा होगा, फिर इसके अंदर अपनी ही कंडीशन आएगा, बिल्कुल रेस्पिरेशन रुक जाएगा, ये रेगुलर साइकिल नहीं है, एक रेगुलर साइकिल में होगा। तो किस प्रकार का वो देखते हैं ग्राफ की सहायता से। ये देखो यहाँ पे जो ये रेस्पिरेशन है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्शन कर रही है, ठीक है, यहाँ पर जाके अपनी ही कंडीशन बिल्कुल रेस्पिरेशन मतलब कम हो गया, फिर यहाँ पे जाके वापिस ये रेस्पिरेशन बढ़ाया। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, एक बार क्या रेस्पिरेशन अधिकतम हो जाएगा, फिर एक बार बिल्कुल लो, फिर एक बार क्या बिल्कुल डीप चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या है अपनी ही कंडीशन में आती है। तो ये कंडीशन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं चैन स्ट्रोक, सॉरी चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसके। इंटरमिटेंट होगा रेस्पिरेशन, फिर डीप रेस्पिरेशन होगा, फिर एक टाइम में ये आएगा अपनी ही कंडीशन हो जाएगी, रेस्पिरेशन शॉर्ट टाइम टेम्परेरी टाइम के लिए स्टॉपेज भी होगा, रेगुलर साइकिल के। ये किस कंडीशन में आता है, अब चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन फिर ऑप्शन पूछ लिया किस में आता है, तो वो होता है फर्स्ट अपॉन होता है ओपोइड की पॉइजनिंग, कोई ओपोइड ले रहा है जैसे मॉर्फिन है, कोई हीरोइन है या कोडीन है, जो भी ले रहा है उसमें अगर क्या आएगा चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगा। सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, सीओ की जो पॉइजनिंग है ना, मान लो है ना पॉइजन कर गए है ना, तो उस कंडीशन में क्या है चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगा, एक बार ज्यादा होगा, फिर एक बार अपनी एक कंडीशन आएगी, फिर एक बार ये मतलब इंटरमिटेंट होगा, डीप होगा, इसमें कुछ होगा, ठीक, क्योंकि डीप में 500 से ज्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटरस साउंड रेस्पिरेशन। तो स्ट्रेटरस साउंड रेस्पिरेशन का मतलब होता है डीप रेस्पिरेशन, इसमें क्या 500 से ज्यादा होगा, 500 से एक रेस्पिरेशन 500 से ज्यादा रेस्पिरेशन करेगा लेगा। एक्सप्रेशन एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग, मान लो पेशेंट क्या गया अक्यूट अचानक अल्कोहल लिया, तो उसके अंदर स्ट्रेटर साउंड रेस्पिरेशन देखने को मिली है अपन को। तो उस वो कंडीशन क्या है, तो वो एक अक्यूट अल्कोहल की पॉइजनिंग के अंदर मिलता है अपन को। देखो इसमें अक्यूट अल्कोहल की पॉइजनिंग के अंदर स्ट्रेटस रेस्पिरेशन पेक्टोरलिस माइनर पेक्टोरलिस मेजर्स स्टेनोक्लेरिडो, इसके अंदर क्या है अक्यूट रेस्पिरेशन मतलब अक्यूट अल्कोहल की पॉइजनिंग है ना, उसमें अपन ये स्ट्रेटर साउंड देखने को मिलेगा, स्ट्रेटर साउंड रेस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि डीप रेस्पिरेशन होगा 500 से ज़्यादा ना, 500 सीसी से 1 मिनट के अंदर वो ज़्यादा लेगा 500 से, तो वो एक डीप रेस्पिरेशन सेलो के अंदर 500 से कम लेगा, इस प्रकार रेस्पिरेट करेगा। सेवन है वो है कुसमल रेस्पिरेशन, कुसमल रेस्पिरेशन तो इनिशियली शलो होगा मतलब कम होगा, 500 से कम होगा रेस्पिरेशन, एंड देन इंक्रीज टेक डीप रेस्पिरेशन, बाद में ज़्यादा होगा, फिर एक डीप रेस्पिरेशन आएगा, मतलब 500 से ज़्यादा होगा एक बार में, 500 से कम शलो का मतलब 500 से कम, 500 से लेस, और डीप का मतलब 500 से ज़्यादा, और बीच में क्या है कि एक बार इंक्रीज होगा ज़्यादा। तो ये कंडीशन किस में आती है, ये कंडीशन आती है एग्जाम्पल इसका है एग्जाम्पल है एसिडोसिस, मतलब एसिडिक जो होता है ना पीएच वो कम हो जाती है, बेसिक में पीएच ज़्यादा हो जाती है, तो एसिडोसिस की कंडीशन होगी यानी CO2 बढ़ेगा, इंक्रीज एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होगा। तो क्या क्यों बोलते हैं इसको उसमल रेस्पिरेशन, तो इस टर्म का पूरा का मतलब जानेंगे, की का मतलब के का मतलब होता है कीटोन बॉडीज या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, तो के का मतलब होता है कीटोन बॉडीज
और यू का मतलब होता है यूरेमिया, एस का मतलब होता है सेप्सिस, और एस का मतलब होता है सैलिसिलेट, एम का मतलब होता है मेथेनॉल की पॉइजनिंग, और ए का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल का एल मीन्स होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिडोसिस। तो इस कंडीशन को कंप्लीट मिला के अपन बोलते हैं कुसमल रेस्पिरेशन या कुसमल ब्रीथिंग साइन भी बोलते हैं इसको, कुसमल साइन। तो ये इस प्रकार होगा, एक बार डीप होगा, डीप रेस्पिरेशन होगा, एक बार स्लो होगा, एक बार फिर इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये कुसमल रेस्पिरेशन या कुसमल साइन है। ए फॉर कीटोन बॉडीज का डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, यू फॉर यूरेमिया होगा, एस फॉर सेप्सिस होगा, एस फॉर होगा सैलिसिलेट, एम का मतलब होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल की पॉइजनिंग, ए का होता है एल्डिहाइड की पॉइजनिंग, और एल का मतलब होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेशन। तो इस प्रकार ये जो कुसमल रेस्पिरेशन है ना, वो बंदा क्रिएट करता है, किस में क्रिएट करता है, जैसे मान लो एसिडोसिस हो रखा है, CO2 इंक्रीज हो रखा है ना, जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें, तो एसिडोसिस की कंडीशन और इंक्रीज एसिडिक नेचर, तो इसमें कुसमल रेस्पिरेशन होगा। अब बात करते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन की बात करें तो स्लो रेस्पिरेशन, स्लो एंड शॉर्ट रेस्पिरेशन होगा, छोटा होगा लेकिन स्लो होगा, मतलब 500 सीसी से कम रेस्पिरेशन, वन मिनट वन रेस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन वन रेस्पिरेशन में कम लेगा, तो वो एक स्लो रेस्पिरेशन है, स्लो एंड शॉर्ट रेस्पिरेशन करेगा बंदा। आप देखो इस इमेज में दिखा दे रहा है, हाइपरपनिया मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, हाइपरपनिया, हाइपरपनिया, फिर हाइपरपनिया अगेन, बीच में अपनी कंडीशन। तो ये क्या है, बिटोट रेस्पिरेशन, इसके अंदर पीरियोडिक ब्रीथिंग या फिर पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब इलाज धीरे धीरे हो रहा है, सुधार, न्यूरॉन डैमेज, न्यूरॉन डैमेज की इन कंडीशन बायोट्स रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये देखो ये एग्जाम में देख रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट को बोलते हैं स्नोवरिंग रेस्पिरेशन। स्नोवरिंग रेस्पिरेशन किस कंडीशन में आता है, लाइक एज ए स्ट्रेटरस रेस्पिरेशन, जैसे अक्यूट एल्कोहल की पॉइजनिंग थी ना उसमें, फिर डीप रेस्पिरेशन, सेम वैसा ही रेस्पिरेशन है, इसको बोलते हैं अक्यूट एल्कोहल की पॉइजनिंग, जैसे इस इमेज इमेज में दिखा रखा है, नेजल एक्टिविटी हो। तो इस प्रकार जो स्नोवरिंग रेस्पिरेशन है ये अक्यूट स्ट्रेटरस लाइक रेस्पिरेशन है, क्योंकि उसके अंदर अक्यूट एल्कोहल की पॉइजनिंग हो रही थी और इसमें वही पॉइजनिंग की वजह से होता है स्नोवरिंग रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं लेबर्ड साउंड रेस्पिरेशन, लेबर्ड साउंड क्या है, तो लेबर्ड साउंड रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर रेल एंड राही, रेल एंड राही के रूप में होता है, इसके अंदर ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस कलेक्ट हो रहा है, म्यूकस पता है ना सिक्रेशन, वो कलेक्ट हो रखा है, इस द रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वॉर्सनेस ऑफ एयरवे, एयरवे के अंदर वॉर्सनेस खरासी रहेगी, एग्जाम्पल निमोनिया पेशेंट, निमोनिया के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर जो थोड़ा थोड़ा ना फ्लूड एक्यूमुलेशन हो जाता है या म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, रेस्पिरेशन ढंग से नहीं कर पा रहा था, उसको बोलते हैं अपन क्या, लेबर्ड साउंड, लेबर्ड साउंड सुनने को मिलेगी अपन, जैसे ये देखो लेडी ये एक्सरसाइज करके आई ना, ये देखो इसके अंदर होगा लेबर्ड साउंड रेस्पिरेशन, इसके अंदर रेल राही होगा, कलेक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का कलेक्शन होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हॉर्सनेस ऑफ एयरवे होगा, एग्जाम्पल निमोनिया के अंदर, ये सारे किस्म आएंगे निमोनिया के अंदर क्रिएट होंगे लेबर्ड साउंड रेस्पिरेशन। अब जो नेक्स्ट रेस्पिरेशन का टाइप है अब नॉर्मल, वो है क्रैकल साउंड रेस्पिरेशन। तो क्या है क्रैकल साउंड रेस्पिरेशन, तो क्रैकल साउंड के अंदर जैसे पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है ना, यानी मान लो जो आउटसाइड में जैसे मान लो प्रोटीन की कमी के अंदर से एडिमा बन जाएगा, फ्लूड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा की जो कंडीशन होती है ना उसके अंदर क्रैकल साउंड मिलेगा, क्रैकल साउंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्रैकल साउंड इन दिस सीन इन दिस कंडीशंस, तो ऑप्शन में अगर पल्मोनरी एडिमा है तो पल्मोनरी एडिमा ही ऑप्शन होगा सही। तो ये है, तो ये एक क्रैकल साउंड है, ये लेबर्ड साउंड है, जिसके अंदर निमोनिया के अंदर मिलता है लेबर्ड साउंड, रेल राही और स्नेस ऑफ एयरवे म्यूकस में हो जाता है, क्रैकल साउंड के अंदर पल्मोनरी एडिमा के अंदर क्रैकल साउंड मिलेगा, इस प्रकार जो ये रेस्पिरेशन की अब नॉर्मल टाइप है। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा कि नॉर्मल रेस्पिरेशन का पैटर्न क्या है, किस प्रकार रेस्पिरेट करता है, किस प्रकार इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, स्लो क्या है, डीप क्या है, और अब नॉर्मल टाइप की, अब नॉर्मल सेंटर कौन सा है कंट्रोल करने का, नॉर्मल सेंटर कौन सा है कंट्रोल करने का, तो कंप्लीट अपने रेस्पिरेशन के बारे में जाना, किस प्रकार इमेज विथ इमेज भी जाना अपन, और अब नॉर्मल क्या है, रेट रिदम क्या है, सारा कुछ, टेकेफनिया ब्रेडिफनिया सारा कुछ। तो लेक्चर से कुछ भी सीखने मिला हो तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, थैंक यू सो मच।